Hey you all my lovelies, welcome back to my channel and those who are new to my video, thank you for stopping by. So दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में essential oil के बारे में. तो essential oil बहुत ज़्यादा beneficial होता है आपके mood को refresh करने के लिए, और क्योंकि essential oil में इतनी अच्छी fragrance होती है कि वो आपके mood को फ्रेशन अप कर सकता है. और आपके स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए भी एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा होता है दोस्तों. तो आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और चलिए तो देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम बात करने वाले हैं पर्पल के टी ट्री एसेंशियल ऑयल के बारे में. 10 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है और ये रिटेल करता है 250 रुपीस का. आपको इसकी बड़ी पैकेजिंग भी मिल जाएगी दोस्तों. तो ये टी ट्री रेंज में है, और पर्पल के बहुत सारे एसेंशियल ऑयल आते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, बहुत सारे ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे यह नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे एसेंशियल ऑयल पर्पल के इस रेंज में बहुत सारी आती हैं. तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली कोई सा भी एसेंशियल ऑयल परचेज कर सकते हैं. तो क्योंकि अभी समर्स हैं और समर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को रहती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल का रिव्यू करती हूँ. सो कुछ इस तरीके की इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है जैसे कि पर्पल के प्रोडक्ट की होती है, और ये आ रहा आपको purple.com पे मिल जाएगा. इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. सो दिस इज बेसिकली, एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, मैंने कभी भी एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं किए हैं. दिस इज़ द फर्स्ट एसेंशियल ऑयल जिसको मैंने ट्राई किया है. सो ये एक पहला एसेंशियल ऑयल है दोस्तों. सो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों. इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं मेलाल्यूका अल्टरनोफोलिया बोल के एक इंग्रेडिएंट है इसमें, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. ये स्किन को क्लीन करता है, स्किन को प्योरीफाई करता है, और एक्ने को ट्रीट करता है, और स्किन इरिटेशन को भी ट्रीट करता है ये दोस्तों. और ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है और डैंड्रफ को भी रिमूव करने का काम करता है ये एसेंशियल ऑयल. अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको इसको 2 से 3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल लेने हैं और किसी भी एक अच्छे से कोल्ड प्रेस्ड करियर ऑयल में मिक्स करके आपको इसको यूज करना है. डायरेक्टली कभी भी एसेंशियल ऑयल को अपने स्किन पर और अपने हेयर पे नहीं यूज करना है, हमेशा किसी एक ऑयल में मिक्स करके ही इसको हम यूज कर सकते हैं दोस्तों. तो क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो आपको एक पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है. कई कबार क्या होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो किसी को सूट नहीं करते हैं, तो बेटर होगा कि आप इसको यूज करने से पहले एक पैच टेस्ट कर लें. कुछ इस तरीके से इसकी इनर पैकेजिंग होती है. ग्लास की बॉटल है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लू कलर का बॉटल है इसका. सो दिस, और इसके साथ आपको एक ड्रॉपर मिल जाता है जिससे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है इसको यूज़ करना. तो क्योंकि 10 ml की जो इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है ये मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको इसको 2 से 3 ड्रॉप से ज़्यादा आपको यूज़ ही नहीं करना है. तो आई थिंक इट्स वेरी too much. This 10 ml is also too much for your if you're using on your skin, on your hair as well. Individually अगर आप use कर रहे हो, बहुत सारे लोग use कर रहे हैं, तो obviously आपको बड़ी packaging की ज़रूरत पड़ेगी. Anyways, ये इसको हम यहाँ से open कर लेंगे, और इसके बाद इस dropper को हमको इसमें लगाना है. सो गाइस, ड्रॉपर तो मैंने इसमें लगा लिया है. लेट्स सी कि अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो वो कैसी है, तो चलिए देख लेते हैं. तो बेसिकली ये टी ट्री से बना हुआ है. तो जो टी ट्री होता है ना दोस्तों, वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. एक्ने को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और आपके पोर्स को भी श्रिंक करने का काम करता है टी ट्री. तो ये काफ़ी एक अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर अगर आप टीनेजर भी हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों. तो चलिए अब हम 1, 2 से 3 ड्रॉप इसकी मैं लेके अपने हाथों पे देखती हूँ. ड्रॉपर से तो काफ़ी ज़्यादा ये कन्वीनियंट लग रहा है. तो वाओ, इट्स अमेजिंग गाइस. ऑयल इतना नॉन ग्रीजी हो सकता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. बिल्कुल डिजअपेयर हो गया मेरी स्किन पे, बिल्कुल डिजअपेयर. हालांकि इसको डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है अपनी स्किन पर, बट जब मैंने इसको अप्लाई किया है अपने हाथों पे, ये बिल्कुल डिजअपेयर हो गया है दोस्तों. एकदम से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है. तो आई एम रियली
लविंग दिस कंसिस्टेंसी. आई मीन वाकई में ये बिल्कुल नन ऑयली एसेंशियल और एसेंशियल ऑयल होते हैं, नो डाउट. सो बात करूँ इसकी फ्रेग्रेंस की, ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. अगर आप फ्रेग्रेंस कॉन्शियस हो तो आपको ये एसेंशियल ऑयल पसंद नहीं आएगा दोस्तों. वैसे अब बात करूँ इसके फ़ायदे की, तो फ़ायदे बहुत अच्छे हैं इसके ऑयली स्किन के लिए. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस ऑयल में मिक्स करके लगाना है. अगर आप अपने स्किन पर इसको अप्लाई करने की सोच रहे हैं, सॉरी फॉर द नॉइस, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी एंड आई रियली कांट हेल्प इट. सो चलिए बैक टू द वीडियो. तो इसको आपको किस ऑयल के साथ मिक्स करके लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ. अगर आप इस एसेंशियल ऑयल को अपने फेस पर लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो और आपकी स्किन ऑयली है, बेसिकली ऑयली स्किन के लिए ही है, तो आपको जोजोबा ऑयल लेना है दोस्तों. क्योंकि कोकोनट ऑयल अगर आप लोगे तो वो आपके पोर्स को क्लॉक कर देगा, तो कोकोनट ऑयल आपको नहीं लेना है. ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल भी जोजोबा ऑयल के जितना लाइट नहीं है, जितना लाइट वेट जोजोबा ऑयल होता है. अब हम बात करेंगे कैस्टर ऑयल की. कैस्टर ऑयल इज़ रियली थिक, डोंट एवर यूज़ इट ऑन योर फेस, इट कैन यू नो वर्स योर एक्ने, बिकॉज उसके जो टेक्स्चर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, वो आपकी स्किन ना टॉलरेट नहीं कर पाएगी गाइस. हालांकि कैस्टर ऑयल के फ़ायदे बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जोजोबा ऑयल यूज़ करो. जोजोबा ऑयल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी यू नो एंटीऑक्सीडेंट कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि आपके ना स्किन से बैक्टीरिया से फाइट करते हैं. और अगर आप उसमें एसेंशियल ऑयल को मिक्स करोगे तो आपको और भी ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे अपनी स्किन पर. तो दोस्तों आप जोजोबा ऑयल यूज़ करो, इट्स वेरी लाइट इन वेट. और ऑयली स्किन के लिए अगर आप फेस पर कोई ऑयल अप्लाई करना चाहते हो तो जोजोबा ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल गाइस. अब हम बात करेंगे बालों के लिए. तो बालों पे अगर आपको इस एसेंशियल ऑयल को अप्लाई करना है तो दोस्तों आप कोकोनट ऑयल के साथ जा सकते हैं. बालों के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है. तो आप कोकोनट ऑयल में इसकी 2 से 3 बूंदें मिलाएं और फ्रॉम द रूट टू द टिप आप इसको अपने पूरे तेल को बालों में अप्लाई कर लें. इसकी सिर्फ 2 से 3 बूंद ही लेनी है, चाहे आप बालों पर अप्लाई कर रहे हो चाहे स्किन पर अप्लाई कर रहे हो, मैं पहले बता देती हूँ. सो या, और अगर स्किन पर अप्लाई कर रहे हो तो जोजोबा ऑयल में भी आपको 2 से 3 ड्रॉप इस एसेंशियल ऑयल के लेने हैं. Then you can apply it on your face. So overall देखा जाए तो essential oil काफ़ी अच्छे होते हैं आपकी skin के लिए. तो अगर आप fragrance की बात करें तो fragrance काफ़ी ज़्यादा hard है, लेकिन अभी फ्रेग्रेंस थोड़ी थोड़ी जा चुकी है. फ्रेग्रेंस का क्या होता है, वो तो थोड़ी 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 देर बाद यू नो डिजअपेयर हो जाती है, वैनिश हो जाती है, स्मेल चली जाती है कहीं. तो वैसे अगर फ़ायदे देखे जाएं तो फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. और मुझे ये ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी लगा. आई मीन 250 का है और काफ़ी अच्छा है, पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं दोस्तों. सो ओवरऑल इट्स अ गुड एसेंशियल ऑयल, यू कैन यूज इट गाइस. तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय गाइस.